यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है वो रेवेन्यू के बराबर है। तो यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट इस तरह है। कॉस्ट में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं, लैंड का रेंट डिस्कस करते हैं, लेबर की वेज डिस्कस करते हैं, कैपिटल का इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। तो ये सारी कॉस्ट में डिस्कस करते हैं। अगर इतना भी रिटर्न आ जाए जितनी ये कॉस्ट है, ये चारों चीजें कॉस्ट है, यानी कि ये चार फैक्टर लगाए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, और इनको इनकी वेजेस दे दी। ये चार फैक्टर लगाए और उनको इनकी वेजेस दे दी। लैंड को रेंट दे दिया, लेबर को वेज दे दी, कैपिटल को इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दे दिया। तो देखें अगर ये इतना कॉस्ट हम लगा रहे हैं, चार फैक्टर हमने लगाए प्रोडक्शन के लिए और उनकी कॉस्ट हमें ये लगी और इतना ही हमें रिटर्न मिल गया जितनी कॉस्ट थी, और हमारा जो रिटर्न है वो इसके इक्वल हो गया। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया, क्योंकि रेंट भी हमने दे दिया, वेज भी दे दी, इंटरेस्ट भी दे दी, ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑलरेडी प्रॉफिट दे रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी प्रॉफिट दे रहे हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट में इंक्लूड होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाए तो भी ऐसा है कि फर्म जो है वो प्रॉफिट ले रही है। वो प्रॉफिट किस तरह ले रही है कि हम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट पहले ही प्रॉफिट में रख रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट का पार्ट पहले ऑर्गेनाइजेशन को दिया है कुछ ना कुछ। अब इससे ज्यादा अगर प्रॉफिट होगा तो फिर वो सब चीजों में इक्वली डिवाइड कर लेंगे, या फिर जैसे भी प्रोपोर्शन रखा होगा उसके अकॉर्डिंग वो लैंड को भी दे देंगे, रेंट के तौर पर, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन रख लेंगे, या फिर वो कैपिटल का इंटरेस्ट ज्यादा दे देंगे, लेबर को ज्यादा वेज दे देंगे। तो जिस तरह हम इसे सॉल्व करें उनकी मर्जी है, चाहे वो सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन रख ले जो पर्सन प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन भी ना रखे जो पर्सन जो प्रोड्यूसर है वो रख ले। यानी कि ये लेट्स सपोज एक पर्सन की फैक्ट्री है लेकिन उसे ऑर्गेनाइज भी खुद नहीं कर रहा, उसने अपनी फैक्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मैनेजर को रखा हुआ है। तो वो मैनेजर की पे प्रॉफिट के फॉर्म में देगा और उसके अलावा अगर उसे प्रॉफिट मिलेगा तो वो उस प्रोड्यूसर का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात है कि अगर नॉर्मल रिटर्न मिल रहा है, टोटल रिटर्न टोटल कॉस्ट के बराबर है, तो भी फर्म को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो अब ये ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस कर लिए, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर है, ये दो ब्रेक इवन पॉइंट है। एक ये पॉइंट है टी, यहाँ पे मैंने एरो किया हुआ है, और एक यहाँ पे बी पॉइंट है, ये दोनों ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। और अच्छा अब यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम कंडीशन कौन सी है, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम, जैसे भी मैंने बात की इससे ज़्यादा मैक्सिमम। तो ऑप्टिमम कंडीशन ये है जहाँ पे देखिए कॉस्ट का कर्व है, ये वाला कॉस्ट का कर्व है, ये सबसे लोअर है यहाँ पे, और यहाँ पे रेवेन्यू ये है, यानी कॉस्ट और रेवेन्यू के दरमियान डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। यही बात हमने डिस्कस की थी, जब डिफरेंस मैक्सिमम हो कॉस्ट कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच, यानी कि कॉस्ट जितनी कम हो सकती है उतनी कम हो, रेवेन्यू उसके मुकाबले में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हो, यानी कि उनका डिफरेंस इतना ज़्यादा हो कि रेवेन्यू और कॉस्ट का मैक्सिमम आ जाए सारी जगह के मुकाबले में मैक्सिमम, तो वो ऑप्टिमम कंडीशन होती है। तो ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे जो आपके परफेक्ट कंपटीशन में कर्व्स यूज होंगे वो दूसरी कंडीशन के यूज होंगे, दूसरी अप्रोच के, लेकिन फिर भी आप लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट का पता होना चाहिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है तो वहाँ फर्म को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। मार्जिनल की बात कर लें, लेट्स सपोज मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर, तो फर्म को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट की जो कंडीशन है वो ये है कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम हो। अप्रोच दूसरी देखते हैं, ये चीज यहाँ भी फॉलो अप हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने कंडीशन फर्म ने बोली है वो ये बोली है, यहाँ पे हम इसे कट कर रहे हैं। देखो टोटल कॉस्ट है यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस जब मैक्सिमम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फर्म इक्विलिब्रियम होगी, फर्म को प्रॉफिट मिल रहा होगा। लेकिन जो इसकी असल कंडीशन हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे सिर्फ आपको ब्रेक इवन पॉइंट का बताना चाहिए और टोटल डिफरेंस का बताना चाहिए कि ज़्यादा होगा तो फर्म इक्विलिब्रियम होगी। लेकिन यहाँ पे जो असल हम यूज करेंगे वो मार्जिनल अप्रोच है, वो टोटल अप्रोच थी प्रीवियस और ये मार्जिनल अप्रोच है। मार्जिनल अप्रोच में क्या है, इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो, जितना रेवेन्यू मार्जिनल मिल रहा है एक चीज़ से बदले उतनी एक चीज़ की कॉस्ट लग रही हो। मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि एक चीज़ की कॉस्ट हर अगले एक चीज़ प्रोड्यूसर की का रेवेन्यू और हर अगले एक चीज़ प्रोड्यूसर की कॉस्ट, तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस की ये जो बात है, ये हम पेस्ट करती हूँ, उसे यहाँ पे मैं उस पॉइंट को पेस्ट कर रही हूँ।
जो हमने पहले डिस्कस किया। तो यहाँ पे मैंने आपसे इसलिए यहाँ पे पेस्ट किया है कि मैं आपको इसको दोबारा से हम वही बात डिस्कस कर सकें यहाँ पे। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। देखिए अगर रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर है, हर अगली चीज़ पैदा हो रही प्रोड्यूस कर रही है, जो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोड्यूसर उसे पैदा कर रहा है, अगर उसकी कॉस्ट जो है जितनी लग रही है उसके बराबर रेवेन्यू मिल रहा है उसको, तो फिर इसका मतलब है नॉर्मल इसके अंदर भी इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल प्रॉफिट मौजूद है। यानी कि जितना कॉस्ट लग रही है उतना रिटर्न है, तो उस कॉस्ट के अंदर एक प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल प्रॉफिट बराबर होंगे, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होगी। नेसेसरी कंडीशन के यहाँ पे ये दोनों बराबर होने चाहिए। सफिशिएंट कंडीशन ये थी, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो यहाँ पे इसका अगर हम देखते हैं कि क्या स्लोप की बात की इन्होंने, ये देखिए यहाँ पे ये हमने आप लोगों ने कर पहले डिस्कस किया था परफेक्ट कंडीशन के लिए। आपने लोगों ने जो टी आर का कर्व डिस्कस किया था वो स्ट्रेट था ऐसे ऊपर को, जैसे हमने अपनी प्रीवियस देखी तो टी आर का जो कर्व था ये ऐसे ऊपर को जा रहा था, लेकिन जो एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व था वो स्ट्रेट लाइन थी, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इसका प्राइस के बराबर है। कि हर एवरेज कॉस्ट जो मिल रहा है वो रेवेन्यू और जो मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है ये प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का अगर हम ग्राफ करेंगे तो शेप का बनेगा वो यू शेप का बनेगा, चाहे वो जहाँ से यू स्टार्ट हो रहा हो चाहे वो इस पॉइंट से यू स्टार्ट हो रहा हो, थोड़ा सा कर्व आएगा और वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो आप जितने भी कॉस्ट के कर्व ड्रा करेंगे आप ग्राफ करके देखिएगा कि अगर आप रिटर्न और कॉस्ट इस साइड पर लेते हैं और आउटपुट जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं, तो आप ट्राई करके देखिएगा जितने भी एमसी कर्व बनाएंगे आप तो वो इस तरह यू शेप होंगे, चाहे वो थोड़े से नीचे को यू हो या चाहे वो थोड़े से ऐसे लोअर पॉइंट से शुरू हो रहा हो, लेकिन वो होगा इसी शेप में जैसे ये बन रहा है। तो यहाँ पे ये है कि जब टोटल जो अप जाते हुए ऊपर को जाते हुए मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को टच करें, वो पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे एम आर और एम सी बराबर है इस पी पॉइंट पे। अब ये टी पॉइंट पे भी कट कर रहे हैं लेकिन ये बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे यहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं है, अभी फर्म के पास कुछ ना कुछ कैपेसिटी मौजूद है प्रोड्यूस करने की, अभी उसकी कॉस्ट भी मजीद डिक्रीज हो सकती है। यहाँ पे देखिए कॉस्ट मजीद कम हो रही है, इस पॉइंट पे देखिए कॉस्ट कम हो रही है, तो ये मिनिमम कॉस्ट का पॉइंट है। तो अभी फर्म के अंदर के पास कैपेसिटी मौजूद है, वो मजीद प्रोड्यूस कर सकती है, अपनी कॉस्ट को मजीद कम कर सकती है, तो इसलिए इस पॉइंट को वो इग्नोर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्म के पास मजीद प्रोडक्शन की कैपेसिटी मौजूद है। और हमने क्या बात डिस्कस की थी, हमने जब ये पॉइंट डिस्कस किया था आप लोगों के साथ तो हमने यही बात की कि फर्म अपनी कैपेसिटी फुल कैपेसिटी लगा दे प्रोड्यूस करने के लिए। ऑप्टिमम फर्म इज वन विच ऑपरेट्स इट्स प्लांट एट इट्स कैपेसिटी लेवल, अपने कैपेसिटी लेवल तक वो प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखें तो फर्म अपनी फुल कैपेसिटी यूज नहीं कर रही, अभी वो मजीद प्रोड्यूस कर सकती है, उसकी कॉस्ट मजीद डिक्रीज हो सकती है और आगे तक वो प्रोड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पे उसकी कैपेसिटी पूरी नहीं थी इसलिए उसके वो मजीद प्रोड्यूस करने की उसके पास कैपेसिटी मौजूद थी, तो इसलिए इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट काउंट नहीं करते। जब वो अपनी फुल कैपेसिटी तक प्रोड्यूस कर ले और वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाए तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। तो देखिए फर्स्ट इक्विलिब्रियम एंड परफेक्ट कंपटीशन ये दूसरा है, ये पहला जो था वो टोटल रेवेन्यू का टोटल अप्रोच थी और ये मार्जिनल अप्रोच है। तो यहाँ पे जब एम सी एम आर को कट करेगा तो इसका मतलब है फर्म यहाँ पे पी पॉइंट पे नॉर्मल प्रॉफिट हासिल कर रही है। तो आज मैंने आप लोगों के लिए यही किया था, तो मजीद जो आपको आपकी ना इन कर्व्स के हम डिस्कशन करेंगे बाद में। तो एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि जो कर्व्स मैंने आपको बनाए हैं ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, ये आप बनाकर लाजमी देखिएगा। और हाँ, इसमें एवरेज कॉस्ट का कर्व भी ऐड कर लीजिएगा। एवरेज कॉस्ट का कर्व क्या होगा, वो जो एवरेज कॉस्ट का कर्व है वो अपर पॉइंट से शुरू होकर लोअर पॉइंट पे जाएगा या फिर लोअर पॉइंट से शुरू होकर अपर पॉइंट पे जाएगा। यानी कि आपने देखा होगा कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व तेज़ी से गिरता है और तेज़ी से आगे ऊपर चढ़ता है, ये बात हमने पहले डिस्कस की थी, ये बात हमने पहले डिस्कस की थी कि जो मार्जिनल कर्व होगा उसका उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी और जो एवरेज है उसकी कम होगी। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब कॉस्ट के टॉपिक्स पढ़े हुए थे हमने यहाँ पे वो बात डिस्कस की होगी। तो यहाँ पे इन्होंने जो बात की हुई थी सेकंड कंडीशन की,
एट पॉइंट स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। स्लोप जो है उसकी ज़्यादा हो, तो यही बात हमने एवरेज और मार्जिनल की डिस्कस की थी कि मार्जिनल की स्लोप ज़्यादा होगी और एवरेज की स्लोप कम होगी। स्लोप का मतलब होता है ढहलवान, यानी कि उसका गिरना स्पीड से होगा और उसका चढ़ना भी स्पीड से होगा। मार्जिनल का एवरेज का थोड़ा सा यू शेप इससे क्लियर होगा, वो स्लो स्लो ही इससे गिरेगा और स्लो स्लो ही ऊपर चढ़ेगा। तो यहाँ पर इस शेप में वो एवरेज कॉस्ट कर्व आ जाएगा, वो इससे स्लो स्लो नीचे आएगा और इसके इससे स्लो स्लो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हम इसको इन्हीं कर्व को मज़ीद यूज़ करके हम आगे इसके कॉन्सेप्ट रीड करेंगे। तो मैं आपको ये बात बता दूँ जो जो आज हमने टॉपिक्स किए हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको अजम्पशंस का लाजमी बताना चाहिए कि हमेशा आगे यूज़ होती हैं परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशंस। बट उससे नेक्स्ट जो ये टॉपिक्स हैं टोटल अप्रोच और मार्जिनल अप्रोच, इनमें आपको जो कर्व्स हैं उनका पता होना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट्स कौन से हैं, मार्जिनल अप्रोच कौन सी है। लेकिन ये जो है आपके कुछ इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है कि ये आपके पेपर में आ जाए, ये इस तरह है कि इन्हीं कर्व को यूज़ करके आगे हम जो हमारे असल टॉपिक्स हैं उन पर आएंगे। तो ये कर्व जो मैंने आपको दिखाई है दोनों, ये कर्व आपके आगे यूज़ होने के लिए हैं। ये कर्व जो भी मैंने आपको बताए हैं, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आगे यूज़ होंगे। तो इसलिए भी आप भी से आप लोगों को इन लोगों इन कर्व्स का पता होना चाहिए। जब हम इन कर्व्स पे काम करेंगे तो आपको पता होगा कि पहले हमने कौन से कर्व्स पढ़े हुए हैं। तो बस आज का लेक्चर यही था, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और जो भी क्वेश्चन हो आप बगैर झिझक के, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, काइंडली वो ये काम ना किया करें जैसे कल उन्होंने मुझे बार बार कंटिन्यूसली मैसेज स्टार्ट कर दी कि आप हमें पूरा सेशन सेंड करें। तो मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो शेयर कर दी, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन ही नहीं पूछे थे जो वहाँ पर मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए। तो आप खुद से जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं, मैंने आपको कभी मना नहीं किया। अगर आप कोई भी लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हो, शर्त यह है कि आप लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन करो, आप कोई भी क्वेश्चन करती हूँ तो मैं आपको उसका आंसर फौरन करती हूँ। आप फौरन ना भी करो तो मैं उसका आंसर लाजमी करती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, आप मुझसे कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।